दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच कल यानी 22 सितंबर को 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा। इस मैच में खास तौर पर भारतीय टीम के धाकड़ ऑलराउंडर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या पर क्रिकेट फैंस की निगाहें टिकी रहेंगी। दोस्तों, अगर आपको भी हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोहाली में खेले गए दूसरे T20 मैच में शानदार जीत के बाद भारतीय टीम को तीसरे और आखिरी T20 मैच में भी जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका से सावधान रहना होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी टीम में कई ऐसे दिग्गज बल्लेबाज हैं जिनका बल्ला चल गया तो भारतीय टीम मुश्किल में पड़ सकती है। खास तौर पर दक्षिण अफ्रीकी टीम के स्टार बल्लेबाज डेविड मिलर से भारतीय गेंदबाजों को सावधान रहना होगा। गेंदबाजों के लिए किलर नाम से मशहूर डेविड मिलर एक आक्रामक बल्लेबाज हैं। मिलर के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि वह हार्दिक पांड्या से बेहतर बल्लेबाज हैं। दोस्तों, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी नज़र में हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर के बीच सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है। दिलचस्प बात यह है कि हार्दिक पांड्या के फैंस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बेंगलुरु में खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी T20 मैच में मात्र 9 गेंद पर अर्धशतक यानी 50 रन बना सकते हैं। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी के बारे में आपकी राय क्या है? क्या पांड्या मात्र 9 गेंद पर 50 रन बना सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।